हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडी हॉरर। एंड फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्ट्स तो हम अपने देश में इंडिया में आराम से डेली लाइफ में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यही सारे प्रोडक्ट्स बाहर के कुछ मुल्क में, कुछ देश में इसका यूज़ करना तो दूर की बात, बस इसका नाम सुनना भी अलाउड नहीं है। प्रोडक्ट्स हमारे देश में है लीगल, वही सारे प्रोडक्ट्स वहाँ है बैंड। अगर आप सोचते हो असली शहद के जोड़ से आप अपने सर्दी का तोड़ संभाल लोगे, तो ध्यान से सुनो। 12 फेमस शहद के ब्रांड्स के ऊपर एक केमिकल टेस्ट किया गया था, लेबोरेटरी टेस्ट किया गया था, और उसमें से 11 शहद के ब्रांड्स के अंदर एक बहुत ही हानिकारक एंटीबायोटिक्स पाया गया है। तो इसीलिए डाबर, पतंजलि, वैद्यनाथ, हिमालय जैसे फेमस ब्रांड्स शहद विदेश में बैंड है। तो इंडियन के लिए च्यवनप्राश होता है हेल्थ का दूसरा नाम। यही च्यवनप्राश खिला के हम अपने बच्चों का सारा सपना साकार करना चाहते हैं, और वो सारे ब्रांड्स पे हम विश्वास करते हैं जो हमारे देश में काफ़ी फेमस है, और बोलते हैं कि ये डबल इम्यूनिटी देता है हमको और क्लिनिकली टेस्टेड है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जान के आपको हैरानी होगी कि ऐसे बहुत सारे फेमस च्यवनप्राश के ब्रांड्स जो हमारे देश में बहुत फेमस है, कैनाडा में है बैंड। लेबोरेटरी टेस्ट के दौरान ये सारे च्यवनप्राश के अंदर मिला था बहुत ही भारी मात्रा में कुछ हानिकारक केमिकल्स, जैसे लेड एंड मरकरी, जो इंसान के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। फ्रेंड्स, हम इंडियन जब से हो संभाला है, चाहे हमें किसी और बात की नॉलेज हो या ना हो, इस बात की नॉलेज ज़रूर है कि लाइफ बॉय जहाँ जहाँ होता है वहाँ बीमारी का नामो निशान नहीं होता है, क्योंकि लाइफ बॉय हमारे बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बना कर रखता है। और हमारे देश के 70% लोग, चाहे बंटी भैया हो या बबलू भैया, ज़िंदगी में एक बार ज़रूर लाइफ बॉय से नहाया है। तो इतना यूज़फुल लाइफ बॉय जो इंडिया के लिए है, वही लाइफ बॉय यूएसए में है बैंड। क्यों? क्योंकि लाइफ बॉय में कुछ हानिकारक केमिकल्स मिला है जो इंसानों के स्किन के लिए खराब है या हानिकारक है। लेकिन यूएसए में कुछ लोग इस लाइफ बॉय को यूज करते हैं कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स को नहलाने के लिए। मैं अगर आगे से लाइफ बॉय से नहाने का प्लान है तो थोड़ा सोच के नहाना। ये सर दर्द मेरा जान ही ले लेगा। तो हम इंडियंस को जब भी सर दर्द होता है, हम झट से एक डिस्प्रिन ले लेते हैं, है ना। डिस्प्रिन लिया, पानी में घोला और उसको तुरंत पी गए। लेकिन यही डिस्प्रिन यूएसए में 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए बैंड है, क्योंकि हेल्थ के लिए हानिकारक है। यार, ये जब भी सर्दी और ये खांसी होती है तो हम क्या करते हैं, तुरंत जाके एक डिकोल्ट वाटर ले लेते हैं ना, और उसे नींद भी नहीं आती। लेकिन ये पता चला है एक रिसर्च माध्यम से कि डिकोल्ट वाटर ऐसे बहुत सारे कुछ दवाइयाँ जैसे एंट्रोक्विनोल एक्सेट्रा, ये हमारे किडनी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। वाव, गर्मा गर्म समोसे वो हो तल रही है। लेकिन क्या आपको पता है यही समोसा बैंड है एक देश में, वो है सोमालिया, और सोमालिया का एक टेररिस्ट ग्रुप है अल सहाब। उनको लगता है समोसा का जो शेप है ट्रायंगल, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करता है। यार, समोसा का शेप और क्रिश्चियनिटी का मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। दूध 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 पियो, दूध इन एवरी सीजन पियो, दूध फॉर हेल्दी रीजन। हाँ, पियो दूध, लेकिन ऐसे फ्रेश मिल्क नहीं। हमारे देशवासियों को कौन समझाएगा जो जानवरों से मिला फ्रेश मिल्क पे बहुत सारा माइक्रोब्स और जर्म्स होते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इसलिए अनपैस्टराइज मिल्क या जानवर से मिला फ्रेश मिल्क कैनेडा में और यूएसए में है बैंड। वहाँ कनाडा और यूएसए का जो फूड एंड ड्रग कंट्रोल है, जिसे एफडीए बोला जाता है, उन्होंने बताया था कि अगर हम एक स्टेट को फ्रेश मिल्क की ट्रेडिंग की परमिशन दे भी दी, तो बाकी स्टेट्स भी यह फॉलो करेगा जो कि इंसान के सेहत के लिए हानिकारक है। तो इसलिए अनपैस्टराइज मिल्क का यूएसए और कनाडा में ट्रेडिंग नहीं होती है। किंडर जॉय हमारे इंडियन किड्स का एक फेवरेट डिज़र्ट है,
है ना। लेकिन यह किंडर जॉय यूएस में बैंड है क्योंकि इसे डिस्क्राइब किया गया है चिल्ड्रन के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और इसका सेल बिल्कुल ही बैंड है। अगर आप विथ वन पीस ऑफ किंडर जॉय यूएस में पकड़ा गए तो आपको पर किंडर जॉय का पैक के लिए $2,500 फाइन देना पड़ेगा। सो बी केयरफुल फ्रेंड्स, अगर यूएस जा रहे हो तो बिल्कुल भी भूल के अपने बच्चों को किंडर जॉय मत खरीद के देना। एनर्जी कम लग रही है, लो फील कर रहे हो तो तुरंत से एक रेड बुल पी लो क्योंकि रेड बुल गिव्स यू विंग्स। बट फ्रेंड्स, जो रेड बुल इंडियंस का विंग्स देता है यही रेड बुल फ्रांस, डेनमार्क एंड नॉर्वे में बिक्री या सेल करना बिल्कुल बैंड है क्योंकि यहाँ का जो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट है उनको लगता है कि रेड बुल पीना सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, स्पेशली ये लीड टू हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, डिहाइड्रेशन एंड कन्वर्शन। लेकिन हमारे देश में तो इंडिया में कहीं भी मिल जाता है रेड बुल। अब ये रहा बच्चों की फेवरेट जेली स्वीट या जेली कैंडी। मैंने तो बहुत सारे बच्चों को देखा है इंडिया में ये खरीदते हुए, लेकिन यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में ये जेली स्वीट्स या जेली कैंडी बिक्री करना, सेल करना बिल्कुल बैंड है क्योंकि उनका मानना है कि ये जेली कैंडी गले में अटक के बहुत सारे बच्चों की मौत के कारण होता है। हमारे देश में, इंडिया में किसान अपनी फसल को बचाने के लिए जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, स्विट्जरलैंड, इजिप्ट, यूरोप और ऐसे 162 कंट्रीज ऐसे 460 टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स को बैन कर दिया है। लेकिन हमारे देश में अभी भी ऐसा 60 टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स रेगुलर यूज किया जा रहा है WHO बताने के बाद भी कि ये सारे पेस्टिसाइड्स बहुत ही हानिकारक है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा लाइक और कमेंट के साथ ज़रूर बताना। थैंक यू।